भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत होने का यह दावा किया गया है। हालांकि जो सच्चाई है वो देखने वाली बात होगी। WHO के दावे पर केंद्र ने एतराज जताया है। एतराज जताते हुए WHO की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। WHO ने पुरानी तकनीक के जरिए मरने वालों के आंकड़े जारी किए, भारत ने ये बात कही है। तो कोरोना से मौत के आंकड़े पर WHO का बड़ा दावा सामने आया है। भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हो सकती है, यह दावा किया गया है। हालांकि जब यह दावा किया गया, उस दावे पर केंद्र ने एतराज जताया है। एतराज जताते हुए WHO पर सवाल उठाए हैं। WHO की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। WHO ने पुरानी तकनीक के जरिए मौत के आंकड़े जारी किए, भारत ने यह तमाम बात कही है। तो कोरोना से मौत के आंकड़े पर WHO का दावा सामने आया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह देखने वाली बात होगी। WHO के दावे पर केंद्र ने एतराज जताते हुए WHO की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। WHO ने पुरानी तकनीक के जरिए मौत के आंकड़े जारी किए, कोरोना से मौत के आंकड़े पर WHO का दावा देखने को मिला है। हमारे सहयोगी सुशील सिंह लगातार बने हुए हैं। सुशील, इस दावे में कितनी सच्चाई लग रही है, क्योंकि WHO का दावा यह है कि अब भारत में कोरोना के चलते 47 लाख मौत हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, हाँ। साधना, यह एक बेहद ही चौंकाने वाला तथ्य है जो सामने आया है। हालांकि WHO ने इसे जारी किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन्होंने जारी किया है कि भारत में कोरोना काल के दौरान करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा उन्होंने जारी किया है, वहां से जारी हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर एतराज जताया है, साथ ही साथ का खंडन किया है और कहा है कि जो टोटल डेथ्स हैं उसको उन्होंने कोरोना में शामिल कर दिया है और सभी जो जनरल डेथ्स हैं या जो नेचुरल डेथ्स हैं उनको भी कोरोना में शामिल करके यह आंकड़ा पेश किया गया है। जबकि ये जो तथ्य है, जो कोरोना इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, जो अलग करना है, वो WHO ने नहीं किया। और इसको लेकर WHO को से संपर्क भी साधा जा रहा है, भारतीय एजेंसियां उनसे संपर्क कर रही हैं और एक्चुअल डेटा जो है वो उनको मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में इस आंकड़े को लेकर एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा मामला सामने आ जाएगा, बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी कि भारत सरकार की किरकिरी होगी। एक तरफ भारत सरकार ने वैक्सीन बनाई और दूसरे देशों को यह वैक्सीन सप्लाई किया गया, उस वैक्सीन के आधार पर यहाँ कोरोना को कंट्रोल किया गया और जो आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए उससे यह आंकड़े काफी भिन्न है, काफी अलग है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। और कल ही जब यह आंकड़ा जारी हुआ था साधना, उसी वक्त भारत सरकार ने एतराज जताया था और तुरंत WHO से संपर्क भी किया गया और माना जा रहा है कि जो पुराने पुरानी पद्धति है जो मौत को आइडेंटिफाई करने की, जो आंकड़े को सबमिट करने की, वही उसी के तहत यहाँ जारी किया गया है, जबकि इसमें कोरोना से मौत अलग है और नेचुरल डेथ अलग है। ठीक है सुशील। सुशील, अगर बात की जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि WHO अक्सर इससे पहले भी दावे किए गए, फर्स्ट लहर के दौरान भी किया गया कोई ना कोई दावा, लेकिन इस बार जो दावा किया गया है इस पर ही एतराज क्यों जताया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। नहीं नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जो डेथ के टोटल आंकड़े हैं उसमें उससे कहीं चौगुने पांच गुने आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें वो सारे डेथ शामिल है किया। हालांकि WHO ने केवल कोरोना से मौत का आंकड़ा इसे बताया है, कोरोना से मौत मरने वालों की संख्या 47 लाख बताया है, जबकि भारत सरकार का मानना है, एजेंसियों का मानना है कि भारत में जितने भी मौतें हुई है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट का हो या नेचुरल डेथ हो या फिर किसी बीमारी से हो, उन सबको कोरोना काल के दौरान जितनी मौतें हुई WHO ने उसको कोरोना में शामिल कर दिया, जबकि कई मौतें ऐसी हुई जो कोरोना से लोग संबंधित नहीं थे। तो ऐसे में इस आंकड़े को पुनः दोबारा रिवाइज करने के लिए भारत सरकार कोशिश में जुटी है और कल ही एतराज जताने के बाद संपर्क भी किया जा रहा है WHO से और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को वेरीफाई किया जाएगा। अगर भारत सरकार भारत में 47 लाख लोग अगर कोरोना से मरे हैं तो निश्चित तौर पर डेथ का आंकड़ा बड़ा है और इसको लेकर विश्व की पटल पर बहुत बड़ी गिनती हो सकती है। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।